नशे कांड में हर दिन नए ट्विस्ट और नए खुलासे हो रहे हैं। इसी केस की जांच के दौरान उस वक्त पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी जब ससुन अस्पताल के दो डॉक्टरों पर गिरफ्तारी का सिकंजा कसा गया। इन डॉक्टर्स पर नाबालिग के ब्लड सैंपल से गड़बड़ी और छेड़छाड़ के आरोप हैं। आरोप है कि डॉक्टर श्रीहरि हरलोर और डॉक्टर अजय तावरे ने नाबालिग को बचाने के लिए ब्लड रिपोर्ट में हेरफेर की थी। दरअसल हादसे के बाद नाबालिग का ससुन हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट हुआ था। जांच में सामने आया है कि इस दौरान उसके ब्लड सैंपल को ऐसे शख्स के ब्लड सैंपल से बदला गया था जिसने शराब का सेवन नहीं किया था और ऐसा करने से नाबालिग के सैंपल में शराब की पुष्टि नहीं हुई थी। डॉक्टर हैं जिन्होंने सील करके ये रिपोर्ट फोरेंसिक को भेजी थी, उनको कल हमने डिटेन किया था। उनके प्राथमिक तपास में ये बात सामने आई कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज्ड का सैंपल लिया था लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उस पे उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा था। ये चीज़ उसने डॉक्टर अजय तावरे के ससून हॉस्पिटल के HOD फोरेंसिक मेडिसिन के हैं, उनके कहने पर और उनके द्वारा और ये सब मिल के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके ये एक्ट ये कंडक्ट उनकी हुई थी। इसलिए कल ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सभी सेक्शंस जो मैंने बताया इसके तहत दोनों डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है। बता दें कि हिट एंड रन का ये मामला बीती 19 मई का है। उस दिन पुणे के कल्याणी नगर इलाके में 17 साल के नाबालिग ने अपनी स्पोर्ट्स कार पोर्शे से बाइक सवार दो इंजीनियर्स को कुचल दिया था जिससे दोनों की मौत हो गई थी। मरने वालों में एक युवक और एक युवती थी। पुलिस ने दावा किया कि किशोर नशे की हालत में तेज रफ्तार से कार चला रहा था। हालांकि जांच रिपोर्ट में शराब की पुष्टि नहीं हुई थी। इसे पुलिस को शक हुआ तो दोबारा जांच कराई गई और अब ब्लड रिपोर्ट में शराब की पुष्टि ने डॉक्टर्स को बेनकाब कर दिया है। फिलहाल दोनों डॉक्टर्स के मोबाइल पुलिस ने जब्त कर लिए हैं और उनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है ताकि इस कांड की और भी कड़ियां खुल सके।